रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो की तरफ आने से पहले आप में से वो लोग कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की दिलचस्प और मालूमती वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले फ्री में देखने मिलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अच्छा, तो रिपोर्ट के मुताबिक 13th सेंचुरी वैम्पायर स्केलेटन विद एन आयरन स्टेक ड्रिवन थ्रू इट्स जस्ट फाउंड इन सदरन बल्गारिया, यानी कि 13वीं सदी में वैम्पायर स्केलेटन, वैम्पायर आप लोग जानते हैं, खून चूसने वाले जिसे हम लोग ड्रैकुला भी कहते हैं, तो उनके सीने में एक लोहे की सलाख जो है वो गाड़ के इस किस्म के ढांचे जो हैं वो मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जनूबी बल्गारिया से। तो एक ढांचा जो है वो आप लोगों को इस वीडियो में नज़र आ रहा है, एक तस्वीर जो है वो ये है और एक जो है वो ये है। इस किस्म के ढेर सारे ढांचे जो हैं वो वहाँ से मिले हैं और जो कॉमन बात है वो उन सब में एक ही है कि इनके सीनों के अंदर लोहे की एक सलाख डाल के इनको मार दिया गया है। तो ये यानी इसकी जो डिटेल है, तो जब वो मैंने पढ़ी तो इनको ये पहले से मरे हुए लोग थे, यानी ये वो लोग थे जो कि अपनी तबई मौत नहीं मरे, वो लोग के जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं। तो उस दौर में यानी 13वीं सदी में लोगों का ये ख्याल होता था कि वो लोग जो अपनी तबई मौत नहीं मरते और वो खुदकुशी करके ख़ुद को मार देते हैं, तो फिर इनके जिस्मों के अंदर बदरूहें जो हैं वो बसेरा करती हैं और वो ड्रैकुला की शक्ल में जन्म जो हैं वो लेते हैं, या उनसे जो वैम्पायर है यानी खून चूसने वाले वो इनसे जन्म जो हैं वो लेते हैं। तो ये उनका एक मजहबी एक अकीदा था कि अगर इनके सीनों के अंदर लोहे की एक सलाख जो है वो इस तरह से इस पे वार किया जाए और इनके सीनों में वो उतार दिया जाए तो इससे ये हमेशा हमेशा के लिए मर जाते हैं और जो बदरूहे हैं या जो ड्रैकुला हैं या वैम्पायर हैं वो इनसे जन्म नहीं लेते। इस तरह से जो बदरूहे होती हैं वो जन्म नहीं लेती और बाकी के लोगों को इससे फिर कोई तकलीफ जो है वो नहीं होती और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में चले जाते हैं। तो ये उनका एक मजहबी उनका एक अकीदा था और इस पर वो अमल करते थे। इस तरह से उनके ख्याल में ये हमेशा के लिए ये सही में वैम्पायर्स नहीं थे, ये लोग ही थे, इंसान ही थे, लेकिन वो खुदकुशी करके ख़ुद को मार देते थे। तो इस तरह से वो इस चीज़ से ख़ुद को सेटिस्फाइड कर देते थे। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।